पिछले 100 दिनों से अधिक समय से कोरोना महामारी के खिलाफ फ्रंट फुट पर जंग लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों एरियर क्लेम भुगतान को लेकर परेशान हो रहे हैं। मंगलवार को जिला अस्पताल में लामबंद हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कुछ समय के लिए काम बंद कर सीएमएचओ डॉक्टर पी बुनकर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला चिकित्सालय में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों के रुके पड़े एरियर क्लेमों को भुगतान करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया है कि जिला चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी के कर्मचारी एवं कर्मचारियों को क्लेम रुके पड़े हैं, जिसमें किसी कर्मचारी के एक तो किसी कर्मचारी के दो तीन क्लेम रुके पड़े हैं। इस संबंध में सिविल सर्जन को कई बार लिखित एवं मौखिक आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक सातवें वेतन मान की कोई द्वितीय किश्त भी नहीं मिली है। अधिकांश कर्मचारियों का समयमान लग गया है, परंतु समयमान का एरियर अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। हमने कर्मचारियों की समस्याओं संबंधित पूर्व सिविल सर्जन मैदे देखे और मौके का देने के बावजूद आज इस स्थिति में आए कि हम लोगों को आंदोलन की राह शायद पकड़ नहीं, काम ना होने के अभाव। क्या काम हुआ? समस्त कर्मचारियों की समस्या है, समयमान का एरियर है, सातवें वेतनमान का एरियर है और अपनी सर्विस वर्कों की सत्यापित नहीं हो पाई, क्या कारण है? आपने अभी बात की तो क्या निराकरण निकला? 15 दिन के लिए आश्वासन दिया। इस मुद्दे पर पहले भी बात हो चुकी थी, पहले भी बात हो चुकी है। अंत में हम अति संवेदनशील सर्विसेज में आते हैं, लेकिन हम अपने दायरे में रहने के बावजूद भी हम लोगों को परेशानी होगी। आपने सिस्टरों की बात ली होगी, सिस्टरों ने देखा होगा। अब आप सिविल सर्जन महोदय से मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग ये है कि समस्त कर्मचारियों की समयमान वेतनमान वक्त पे लगना, उसका एरियर मिल जाना, सातवें वेतन का एरियर मिलना जो सत्यापित नहीं हो पाई सर। आर्थिक सभी को क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक आर्थिक परेशानी और मानसिक भी होती है। ये करीबन कब से लेके कब तक का है? ये काफी टाइम हो गया है। इनसे पूर्व जो सिविल सर्जन थे उनसे हमको समस्या जा रही है। हमारा जो वेतन मान है ना, पुराने पे ग्रेड पे कंप्यूटर में फिट करा इन लोगों ने, 1300% का दे रहे हैं, जबकि हमारा है 1900% वेतन मान। तो इन्होंने क्या 5000 का सीधा फर्क कर रखा है। और जो लोग वो बाटवाए वगैरह जो आए थे ना, चपरासी वगैरह, तो वो स्थाई ऑर्डर हमसे जो जूनियर थे, स्थाई ऑर्डर भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, हमको अभी तक स्थाई ऑर्डर भी नहीं मिला है सीमर लोगों को। तो और सन 84 से हमने 6-7 साल काम करा कंट्रजेंसी में, उसके बाद 90 में हमारे लिए कार भारती परमानेंट का वो दिया उन्होंने, सिर्फ एक कागज, और स्थाई ऑर्डर नहीं दिया अभी तक। और वेतन मान में आज तक मतलब जो हमसे जूनियर थे उनको 1900 का पे ग्रेड मिला है ना, और हमको 1300 का दे रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? तनखा वेतन मान बोलेंगे, 1900 लगाए। तो हम लोगों को ये चाहते हैं कि जो लोग मतलब स्थाई ऑर्डर ले चुके हैं, चपरासी वगैरह जो भी थे, ड्रेसर बन गए, कोई बाबू बन गया, और कोई भीगे वही बाटवाए अपने कार भारती से स्थाई और स्थाई जो मिलता है ऑर्डर वो ले चुके हैं, मतलब ना इंसाफी है स्वास्थ्य विभाग से हमारे लिए। तो कई हमारे अध्यक्ष साहब और हमने लिखा पढ़ी भी करी तो आज तक कोई सुनवाई नहीं है।